सत्रहवें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी। डीजल के भावों ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज डीजल के भावों में 54 पैसे लीटर की तेजी और डीजल प्रति लीटर 80 रुपए 23 पैसे पहुंच गया है। पेट्रोल में 20 पैसे लीटर की तेजी और पेट्रोल जो है प्रति लीटर पहुंच गया है 86 रुपए 87 पैसे। 17 दिन में पेट्रोल में 9 रुपए 4 पैसे बढ़ाए गए हैं और डीजल में 9 रुपए 91 पैसे का इजाफा हुआ है। 17वां दिन कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उछाल और जनता की जेब पर भारी पड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि पिछले 17 दिनों में 9 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल और डीजल और ईंधन के दामों में। और डीजल के जो भाव हैं उन्होंने अपना नया खुद का रिकॉर्ड बना लिया है। आपको बता दें कि डीजल के भावों में 54 पैसे लीटर की तेजी आज और डीजल जो है प्रति लीटर पहुंच गया है 80 रुपए 23 पैसे। इसके अलावा पेट्रोल की अगर बात करें तो 20 पैसे लीटर की तेजी आज दर्ज की गई। पेट्रोल के जो भाव है फिलहाल प्रति लीटर 86 रुपए 87 पैसे हो गए हैं। 17वां दिन है कीमतों में इजाफे का। 17वें दिन में पेट्रोल 9 रुपए 4 पैसे और डीजल 9 रुपए 91 पैसे महंगा हुआ है। लगातार जो जनता पर है जेब पर जनता की जेब पर इस चीज का दबाव बनता जा रहा है। डीजल के भावों ने अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते 17 दिनों से लगातार ईंधन के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और आपको बताते जाएं कि लॉकडाउन के शुरुआती चरणों में राज्य सरकार ने वैट भी इस पर लगाया था, तो कहीं ना कहीं दोहरी मार है जनता के ऊपर ये। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी बीके शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीके, 17वां दिन है ईंधन के दामों में लगातार तेजी, नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है ये, कहां तक पहुंचेगा, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अगर हालात यही रहे तो जल्दी ही चटक बनाने वाला है जी। अभी भी क्योंकि हमारे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 87 रुपए लीटर का एक रिकॉर्ड रहा 2018 अगस्त में जी। और अगर ये अब इसमें कुछ पैसों की ही कमी है और इस तरह से यदि 20 पैसे भी आए तो ये 87 के जो आंकड़ा है उसको एक क्रॉस कर जाएगा जी। तो अब ये हालत है कि नया रिकॉर्ड ये बनाने वाला है। पेट्रोल डीजल की कीमतें ऑलरेडी इसने जो 80 रुपए लीटर पर इससे पहले कभी भी नहीं पहुंचा, तो डीजल ने तो ये नया दिया है। लेकिन साथ ही इससे और तमाम बातें और हो रही हैं सभी जगह मीडिया में और सभी जगह, लेकिन साथ ही अब राजनीति भी हो रही है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके पेट्रोल और डीजल के दामों पर चिंता व्यक्त की है जी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ही हाथ है, क्योंकि इसके अंदर पेट्रोल जितनी भी पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं, डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो जो वैट लगता है वो वैट में भी इजाफा होता है, तो राज्य सरकार को वैट मिलता है और दूसरा एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार को मिलती है। इसमें जो पेट्रोल की और डीजल की कीमतें बढ़ती है तो उसी तरह से एक्साइज ड्यूटी भी ज्यादा बढ़ती है और ज्यादा टैक्स मिलता है केंद्र सरकार को जी। तो दोनों ही अपनी आय बढ़ाने के लिए इस समय पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार कम हो रही है, इसके बावजूद भी ये कीमतें बढ़ाई जा रही है। इसका एक और तर्क पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से दिया जा रहा है कि इस समय खपत नहीं है, लोग आवाजाही कम कर रहे हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी ठप है, इसकी वजह से पेट्रोल की खपत नहीं है, डीजल की खपत नहीं है। तो ऐसे में उनको इन कंपनियों के संचालन के लिए जो लागत आती है उसको लिए जरूरी है कि आय बढ़ाई जाए। तो ये एक कंपनियों की ओर से तर्क दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर उपभोक्ता के ऊपर ये सब भार है और कोरोना के बीच में कोरोनाशी जो जंग है उसके साथ साथ उसे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जयती जी, बीके, अगर खपत अभी कम है भी नहीं तो इस प्रकार से अगर इसका इजाफा जारी रहा तो आने वाले कुछ दिन में खपत और भी ज्यादा कम हो जाएगी, लोग निकलेंगे ही नहीं, महंगाई के डर से 100 रुपए का आंकड़ा पार कर जाएगा डीजल और ईंधन के अन्य दाम। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।